अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। रुपा जी, सोयाबीन में क्या लगता है आपको? वायदा में तो हमने NCDX पर 7950 तक सोयाबीन को ट्रेड होते हुए देख लिया है, फंडामेंटल्स भी मजबूत हैं, ब्राज़ील में भी जो उत्पादन है काफ़ी कम बताया जा रहा है और वैश्विक उत्पादन भी कम रहने के अनुमान अभी से ही लगाए जा चुके हैं। तो इसी बीच आपको क्या लगता है, अगर आगे डिमांड काफ़ी अच्छी बनी रहती है तो क्या सोयाबीन 8,500 या 9,000 के भी लेवल दिखा देगी? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। देखिए अभी जो ये तेजी बन रही है तेलों के दामों में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्यों की तरफ से हम देख रहे हैं कि सूरजमुखी के तेल की खपत काफी ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से क्योंकि अभी ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है इसकी वजह से सप्लाई काफी डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से सूरजमुखी के तेल की खपत बढ़ती हुई दिखाई दी है। और अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि अगर किसी भी एक खाद्य तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका सीधा असर दूसरे खाद्य तेलों की कीमतों पर आता हुआ दिखाई देता है। अगर सनफ्लावर की कीमत बढ़ेगी तो उसका रेट, उसका इम्पैक्ट जो है वो कनोला के ऊपर पड़ेगा, और इसके कनोला अगर तेज होगा तो उसके तो फिर सोयाबीन के तेलों में भी तेजी देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो ओवरऑल बाजार में सिनेरियो जो अभी बना हुआ है सभी एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर एक की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो उसका असर सीधा दूसरे तेल के ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। और इसी तरह से अगर पाम की कीमत बढ़ती है तो इसके चलते बाकी हम दूसरे तेलों की कीमतों में तेजी देखते हैं। तो फिलहाल जो सिनेरियो है वो पॉजिटिव ही है और एक्सपेक्टेड है कि आगे चलकर तेजी बनी रह सकती है। जी,